देखो, किसी भी मदरबोर्ड नो पावर होने के पीछे मिनिमम 10 रीज़न होता है। मैक्सिमम को छोड़ो, मैक्सिमम को तो छोड़ ही दो, और भी डबल हो सकता है, 20 रीज़न भी हो सकता है। नो पावर के ऊपर मैं बता रहा हूँ, तो मिनिमम जो रीज़न है 10 हो सकता है, 10 होता है। तो उनमें से एक रीज़न मैं बताता हूँ इस बोर्ड के ऊपर, तो ये है एजरॉक का i61M S1+। तो डायगोनाइज किया मैंने बहुत टाइम से, तो इसका तो सिमेटिक नहीं है, मेरे पास मिल भी नहीं रहा है। छोटा सा एक प्रॉब्लम है, मैं दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। तो पहले देखो, अभी भी मैंने फाइंड आउट करके रखा है पर सॉल्व नहीं किया, और अगर मैं सॉल्व कर देता तो वीडियो नहीं बना पाता। तो देखो, अभी दिखाता हूँ, पहले देख लो थोड़ा सा। ये डिबग कार्ड यहाँ पर दिया, तो अभी ये पावर दिया, देखो PSON आ चुका है, ठीक है, पावर दिया, PSON आ चुका है। और फैन भी लगा देता हूँ ताकि समझ जाओ बोर्ड चल रहा है कि नहीं। तो फैन भी लगा दिया, तो अभी देखो मैं टिगर देता हूँ, ठीक है। ये है इसका फ्रंट पैनल, ये देखो मैंने टिगर दे रहा हूँ, कोई भी रिस्पांस नहीं है। ये देखो, ये जो पिन है, कोई भी रिस्पांस नहीं है। पर अगर आप वोल्टेज पे चले जाओ, तो मल्टीमीटर पे अगर चले जाओ, तो इसका जो PSON है, ये आपको बराबर मिलेगा, 3.4 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट स्टैंडबाय जो है अवेलेबल है। तो 3 वोल्ट स्टैंडबाय इसका अवेलेबल है, और यहाँ पर भी देखते रिसेट का जो है, ये भी वोल्टेज अवेलेबल है, पर ये टिगर नहीं ले रहा है। देखो, किसी भी हालात पर भी टिगर नहीं ले रहा है। तो जितने भी चाहे कोशिश कर लो, ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा कंडीशन में ही था, नो पावर में। तो मैंने बताया, नो पावर के ऊपर मिनिमम 10 रीज़न होता है हर आर्किटेक्चर का, हर बोर्ड में, और मैक्सिमम तो उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा सा छोटा भी केसेस के वजह से भी नो पावर आ जाता है। तो अभी देखो, इस बोर्ड में बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, ढूंढने के बाद मुझे छोटा सा एक रजिस्टर मिला है, जो उसके वजह से ये बोर्ड नो पावर पे चला गया है। तो अभी ये ऑन नहीं होगा, डेफिनेटली ऑन नहीं हो रहा है, ये किसी भी हालत पर भी ऑन नहीं हो रहा है। और PSON इसका रेडी है, पर ये ऑन नहीं हो रहा। पर यहाँ पर वोल्टेज भी हमारा 3 वोल्ट स्टैंड बाय मिल रहा है, ठीक है, जो PSON वोल्टेज है मिल रहा है। तो अभी मैं दिखाता हूँ और इसको रिप्लेस करूँगा उसके बाद, क्योंकि मैंने ढूंढा, ढूंढ के रखा है रजिस्टर को, उसी से ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मैं एक रजिस्टर दिखाता हूँ, ये रजिस्टर के वजह से इस बोर्ड में नो पावर आया है। ये RTC सेक्शन का एक रजिस्टर है, जो एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता, पर RTC सेक्शन का ही है, पर एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि इसका सिमेटिक मेरे पास नहीं है। तो देखो, पास से मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक जो रजिस्टर मुझे दिखा है, ये वाला रजिस्टर यहाँ पर, ये RTC सेक्शन का ही होगा, क्योंकि इसका मुझे और एक चीज़ दिखाना है सबको, सॉरी। ये जो रजिस्टर है, ये अभी पावर देता हूँ, ये एक सेकेंड, ये पावर दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑफ नहीं किया मैंने SMPS। तो देखो, ये ऑन नहीं होगा, अभी भी देख सकते हो ये ऑन नहीं हो रहा है बोर्ड। तो अभी देखो, अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मल्टीमीटर पे फॉलो करो आप, इधर पे मत देखो, नहीं दिखेगा आपको। तो देखो, ये जो रजिस्टर है, मुझे इस साइड में रजिस्टर का 2.55 वोल्ट मुझे अवेलेबल मिल रहा है, ठीक है, मल्टीमीटर दिख रहा है ना, इस साइड में मुझे 2.55 वोल्ट मिल रहा है, पर इस साइड में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होना चाहिए, या फिर सेम वोल्टेज होना चाहिए। अगर ये 0.2 या फिर 0.3 ओम्स का रजिस्टर है, तो सेम वोल्टेज होना चाहिए। पर इस साइड में देखो इसका, ये देखो 0. मतलब वोल्टेज कुछ नहीं है, ठीक है, 0.01 करके है, मतलब रजिस्टर या फिर कट चुका है या फिर डाइसोल्ड हो चुका है। तो ये मैंने थोड़ा सा ट्वीज़र लेके यहाँ पर क्लीन करके भी देखा था, ठीक है, काम नहीं बना मुड़ा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज है,
इस रजिस्टर को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर को चेंज अगर करेंगे तो डेफिनेटली ये बोर्ड ऑन हो जाएगा, तो अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो साथ में बने रहो। और ये छोटा सा एक रजिस्टर है जिसकी वजह से ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। अगर मगर ये सिमिटिक अगर मिलता तो प्रॉपरली मैं डायग्नोस कर पाता तो ये रजिस्टर के वजह से क्यों हो रहा है, तो अभी मैं डिटेल्स में समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सिमिटिक नहीं है। पर मुझे अभी बहुत टाइम लगा भाई ढूंढने में इसे, क्योंकि ये जो रजिस्टर फॉल्टी है ये कट चुका है, मुझे भी करीब 40 मिनट लग चुका है इसे ढूंढने में, क्योंकि सारा जगह मैंने ट्रेस आउट किया, इसका आयो का टोटल पिन आउट मैंने निकाला और एक एक करके चेक किया, पर आयो से कुछ प्रॉब्लम नहीं जनरेट हो रहा था। मैं इसको आयो को भी मतलब फॉरवर्ड टिकर दे के देखा है, बोर्ड ऑन हो रहा है पर डायरेक्टली स्विच से ऑन नहीं हो रहा। तो उसके बाद जाके मुझे ये ढूंढते ढूंढते मैंने ये आरटीसी सेक्शन के आसपास ही फॉलो कर रहा था, क्योंकि मुझे डाउट था कि यहाँ से ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे ये रजिस्टर एक मिला है, तो ये मैं चेंज करता हूँ, तो आप साथ में बने रहो, ठीक है। तो एक सेकंड बने रहो, मेरा रजिस्टर बुक कहाँ रखा है, एक सेकंड बने रहो, ठीक है, मैं ढूंढ लेता हूँ रजिस्टर बुक को। चलो मिल गया, मिल नहीं रहा था, बहुत सारा बुक्स है इसलिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, तो इसका वैल्यू तो अभी देख नहीं सकते, तो यहाँ पर पुलअप रजिस्टर ही होगा करीब करीब लगभग 0.1 या फिर 0.2 का होगा। तो मैं 0 ओम्स का एक रजिस्टर लगा के ही देखता हूँ पहले, अगर हो जाता है तो सही है। तो मैं एक 0 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पर लगा दूंगा और देखेंगे क्या होता है। तो एक रजिस्टर निकाल लेते हैं, एक सेकेंड, ये गिर जाएगा तो मुझे भी नहीं मिलेगा, ये इतना छोटा है, ये है रजिस्टर, ठीक है। कहाँ रखा, ये मिल गया। तो और एक चीज करना पड़ेगा, मेरा एसएमडी का जो नोजल है उसे चेंज करना पड़ेगा, एक सेकेंड, नहीं तो ये रजिस्टर नहीं लगेगा। साथ में रहो थोड़ा सा, इतना टाइट क्यों हो गया यार, बहुत टाइट हो गया, इतना टाइट क्यों होता है ये, और ये भी लग नहीं रहा है। चलो हो गया, तो इसका नोजल चेंज कर लेना है मुझे, उसके बाद हो गया। तो ये रजिस्टर मैं चेंज कर लूंगा, उसके बाद देखेंगे कि बोर्ड में क्या होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अभी शार्प जैसा ट्विजर चाहिए, तो मैं चेंज कर लेता हूँ, बाद में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, पास से और भी। एक सेकेंड, एयर को कम करना है थोड़ा सा, हो गया। ये देखो, ये है वो छोटा सा रजिस्टर, नहीं दिखेगा आंखों से, ये रख दिया मैंने, अब शायद देख सकते हो, ठीक है। तो इसे मैं
एक सेकेंड, इसको अच्छी जगह पे रखता हूँ एक, ठीक है, नहीं तो मैं बाद में दिखा नहीं पाऊंगा। यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, ये रख दिया मैंने सीपीयू के ऊपर, बाद में दिखा देता हूँ। और ये है हमारा नया वाला, ठीक है, ये नया वाला है, इसको सेट करना है। बस हो गया। अभी देखो, ये है वो रजिस्टर जिसको मैंने चेंज किया, ये कट चुका है, ये देखो, ये है वो रजिस्टर, ठीक है, इतना छोटा है, इसको यहाँ पर रख देता हूँ। कहाँ गया ये रख दिया मैंने, देख सकते हो। और मैंने जो चेंज किया, ये देखो, ये वो रजिस्टर मैंने अभी लगाया, ठीक है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, रजिस्टर मैंने लगा। इसके वजह से ये बोर्ड नो पावर पे था। अभी देखो, ये पीएस ऑन तो था इसका, यहाँ पर मिल रहा था पर टिगर नहीं ले रहा था, ठीक है। अभी देखो, ये एक चांस में बोर्ड टिगर लेगा, और डिस्प्ले आए ना आए वो बाद में देखेंगे, क्योंकि बोर्ड टिगर नहीं हो रहा था, यही मसला था हमारा, ठीक है। तो डिस्प्ले आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं, पर जो टॉपिक था वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नो पावर था, नो टिगर। तो अभी देखो, फैन भी एक लगाता हूँ ताकि अगर चले तो आपको पता चलेगा। तो ये फैन भी लगा दिया, अभी देखो इसको टिगर देता हूँ, ठीक है, ये देखो ऑन हो गया बोर्ड। तो ये छोटा सा एक रजिस्टर के वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रहा था। तो अभी डिस्प्ले इसका आएगा कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। और इस बोर्ड में जो है एलपीसी पोर्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ एलपीसी टीपीएम, तो यहाँ पर हम डिबग कार्ड डालेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि इसका भाई डिस्प्ले आया आ रहा है कि नहीं। तो वो भी दिखा देते, साथ में रहो। ये लगा दिया टीपीएम पोर्ट पे हमने, और ये पावर दिया। यहाँ पर तो पीएसओन नहीं आएगा, टीपीएम पोर्ट पे नहीं आता है, तो अभी टिगर देता हूँ। ये देखो कोड लिया, तो मतलब बोर्ड में और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले डेफिनेटली आ चुका है, देखते हैं कीबोर्ड कनेक्ट करके कनेक्ट। ये देखो आ गया, डिस्प्ले आ गया, ये देखो डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो अभी एक बार रिस्टार्ट भी करेंगे, ये लो रिस्टार्ट कर दिया, देखो कीबोर्ड पे भी एलईडी चला गया और तो फिर से एलईडी आ गया। रिस्टार्ट हुआ नहीं क्या? हाँ अभी हुआ, कीबोर्ड पे लाइट चला गया, फिर से आ गया, मतलब तुरंत डिस्प्ले आ रहा है इस बोर्ड में, वाह बहुत बढ़िया। तो टीएफटी पे भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, मॉनिटर पे कि इसका डिस्प्ले बराबर है कि नहीं। हाँ भाई है, ये देखो डिस्प्ले है। तो एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, और एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, ये रिस्टार्ट कर दिया, डिस्प्ले चला गया, तुरंत आ जाएगा, ये देखो फिर से आ गया, मतलब इसका डिस्प्ले तुरंत आ रहा है भाई। इतना तुरंत तो किसी भी मदरबोर्ड पे आता नहीं है डिस्प्ले, पर एसडॉक का तो इस बोर्ड में बहुत तुरंत डिस्प्ले आ रहा है भाई। तो देखो ये है फंडा, तो ये एक छोटा सा रजिस्टर जो यहाँ पर दिखोगे अभी भी है, ये देखो छोटा सा एक रजिस्टर है, इसको मैंने बदला। और वो कहाँ पर था फिर से दिखा देते हैं बोर्ड एक बार ऑफ करके, ताकि बहुत सारा लोगों को ये भूल जाएगा ये देख के। तो देखो भाई, पास से मैं दिखाता हूँ मोबाइल हाथ पे लेके। तो मैंने चेंज किया ये वाला रजिस्टर, देखो कहाँ पर है, ये वाला रजिस्टर देख के ही पता चलता है ये एक नया रजिस्टर है, देखो, ठीक है। वो रजिस्टर के वजह से ये बोर्ड, इसका जो आरटीसी फेल हो रहा था, इसलिए ये टिकल नहीं ले रहा था। तो छोटा से छोटा भी प्रॉब्लम बोर्ड, आप ये अगर जो नया बंदा हो उनके पास अगर ये बोर्ड जाता, जो नया नया काम सीख रहे हो, तो डेफिनेटली ये बोर्ड आप रेडी नहीं कर पाते, क्योंकि आप तो बोर्ड पूरा ख़राब कर देते, क्योंकि आप ब्रिज पे हिट करते, इधर उधर PWMIC पे हिट करते, IO पे हिट करते। पर आप अगर मतलब सीक्वेंस के ऊपर बेस करके काम करोगे तो फिर आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो
अगर सिमेटिक होता तो मैं डिटेल्स में इसको दिखा देता कि क्यों हो रहा है, पर मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेस आउट किया और मुझे प्रॉब्लम जो है फाइंड आउट हो चुका है, हो गया था, इसलिए मैंने ये रेडी कर पाया। तो शायद मैं भी नहीं कर पाता अगर मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करता इस बोट के ऊपर, तो मैंने टाइम दिया इसलिए हुआ, नहीं तो ये रिटर्न हो जाता मेरे हाथ से भी। ठीक है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये एक छोटा सा रजिस्टर की वजह से ये बोट रेडी हो गया। तो लास्ट टाइम और एक बार चला के देखते हैं। ये पावर दिया और ये लोड टिगर भी दे दिया, ये देखो बोर्ड ऑन हो गया, एलपीसी मैंने खोल दिया तो डिस्प्ले भी आ जाएगा। देखो ये देखो डिस्प्ले आ गया। ठीक है, तो देखो वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला है, तो एक लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।